नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्ची की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं और पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं। ये रेसिपी मैंने थोड़ी अलग और नए तरीके से बनाई है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शिमला मिर्ची बनाने के लिए हमने 4 शिमला मिर्ची ली है, ये आधा किलो के करीब है। इसको अच्छे से पहले हमने वॉश कर लेना है। अब इसको हमने काटना है। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे काटूंगी इसे। पहले इसके हम 2 भाग कर लेंगे। हमने जो है इसके जो एक्स्ट्रा बीज हैं उनको निकालना है। ऐसे काटने में ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसके मैं 3 पार्ट कर दूंगी हाफ करने के बाद। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये देखिए एक्स्ट्रा बीज आराम से निकल जाएंगे। ऐसे ही हमने सारी शिमला मिर्ची को काटकर तैयार करना है, छोटे टुकड़ों में काटकर। इसके भी मैं 3 पार्ट ऐसे ही करूंगी, ये आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए हमने शिमला मिर्ची को काट कर तैयार कर लिया है, उसके बीज को भी अलग कर दिया है। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे। मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन, इसको हमने भूनना है। इसमें घी नहीं डालना, बिना घी के भूनना है। इसको भूनने में हमारे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को हमने मीडियम ही रखना है और चलाते हुए ही भुनना है। ये भुन गई है, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, मैंने वही वाली कढ़ाई ली है जिसमें बेसन भुना था। गैस ऑन करेंगे। मैं डाल रही हूँ स्मोक मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो थोड़ा सा डालूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, उसे गरम कर लें। ये गरम हो गया। मैंने लिया था 1 टीस्पून साबुत धनिया, उसे क्रश कर लिया था, थोड़ा सा कूट लिया था, मैं वो डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। मैंने 1/2 टीस्पून सौंफ ली थी, उसे भी दरदरा कर लिया था, वो भी डाल देंगे इसमें। और 1 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो भी डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसे चला देंगे, अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे। अब हमने गैस को कर लेना मीडियम और इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी ज्यादा नहीं डालनी, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब गैस को मीडियम करते हुए हमने इसको 2 मिनट तक इसी ढंग से चलाते हुए पका लेना है। ये हमें चलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें और मसाले भी डाल देते हैं हम। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डाल रही हूं मैं भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है ये, 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 मिनट तक और पका लेंगे इसे, ऐसे ही चलाते हुए मीडियम गैस पर ही। ये 2 मिनट हो गए हैं इसको हमें पकाते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे इतनी शिमला मिर्ची में बेसन की क्वांटिटी पूरी ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से बेसन इसमें मिक्स हो जाए और कोट हो जाए।
और साथ साथ हमने इसको चलाते रहना है और गैस को हमने मीडियम ही रखना है, गैस को तेज ना करें नहीं तो एकदम से इसके मसाले जलने लग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहें, जैसे अच्छे से बेसन और कोटिंग में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और ऐसे छिड़केंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है इसमें, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। चलाते चलाते ही मिक्स कर रहे हैं हमने। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और गैस को तेज कर इसे 1 मिनट तक चलाते हुए ही पका लेना है हमने। ऐसे ही मिक्स करना है। अगर आपको सॉफ्ट शिमला मिर्ची पसंद है तो आप 2 मिनट ढककर पका सकते हैं इसको। मैंने इसे खुले में ही बनाया है क्योंकि शिमला मिर्ची बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे क्रंची पसंद है इसलिए हमने क्रंची टाइप भी रखी है। ये शिमला मिर्ची बनकर तैयार है। आप इसको चपाती के साथ, परांठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।